गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई YouTube चैनल एक्सप्लोर अराउंड यू। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, जल्दी उठ गया, 5:30 बजे उठ गया और फ्रेश अप हो गया। कभी कभी मन करता है ना जल्दी उठ, मतलब कभी भी जल्दी उठना ही है, ऐसा नहीं कि कभी कभी, ट्राई तो करता हूँ कि कभी कभी सूरज उगने से पहले उठ जाए, लेकिन पता नहीं होता नहीं है। ट्राई करते ही रहते हैं। अब बैंगलोर में इतना फॉग हो गया है, नवंबर शुरू हो गया और ठंडी का मौसम शुरू, बारिश तो इस बार उतना कुछ खास हुआ नहीं है, जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा कम हो गया, जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सुबह का नज़ारा कैसे दिख रहा है, हाँ अभी तक सूरज उगा नहीं है और चंदा मामा भी वहीं पे हैं अभी तक। तो पूरा जो है अभी तक उजाला नहीं हुआ है और सोच रहे हैं कि अगर इतनी जल्दी उठ गए हैं तो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। एक्चुअली सनराइज़ देखने का मन है, लेकिन मतलब क्लाउड इतना है और फॉग भी इतना हो रखा है कि शायद सनराइज़ नहीं देख पाएंगे। एक तो ये अच्छा, ये घरों के बीच में वहाँ पे अपार्टमेंट, यहाँ पे बड़ा घर, तो कहाँ से एकदम ठीक से सनराइज़ देख पाएंगे। फिर भी थोड़ा दिख जाता है, लेकिन क्या है, क्लाउडी है, सनराइज़ ठीक से नहीं देख पाएंगे। हम पार्क जा सकते हैं, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ही लेक है, बड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग का ट्रैक है, पार्क है, सब है, लेकिन वहाँ से भी नहीं दिखेगा। अभी तो ऐसे ही बस छत पर टहल रहा हूँ, मतलब सुबह सुबह का अच्छा ऑक्सीजन लेना है ना। तो हमने थोड़ा मोड़ा सनराइज़ देख लिया, सनराइज़ देख लो ना, कुछ अलग ही आनंद है, मस्त लगता है। तो जैसे मैंने बोला था, वहाँ सनराइज़ के वहाँ पे बहुत ही क्लाउड है, तो एक्चुअली वो पूरा ठीक से सनराइज़ नहीं, क्लाउड के बीच में से सन बाहर निकल रहा है, ऐसे दिख रहा था। और यहाँ पे तो घर बन रहे हैं, तो बहुत मतलब ठीक से उतना कुछ दिखता नहीं है, फिर भी दिख गया। अगर ऐसे ही रोज़ जल्दी उठ पाए 6 बजे से पहले, सनराइज़ से पहले, फिर तो कहीं जाएंगे, पार्क वार्क जाएंगे बस घूमने। तो थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं और थोड़ा देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या कर पाते हैं। यहाँ पे ना एक कबूतर आके बैठा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो कबूतर उड़ ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही बैठा है यहाँ पे, बहुत ही पास है। दूसरे कबूतर होते तो डर के उड़ जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, नहीं उड़ रहा है। तो एक्चुअली ना जब कोविड था, हमारे घर में ना कबूतर ने एक, मतलब बालकनी में कबूतर ने एक 2 अंडे छोड़ दिए थे, उसमें से एक अंडे का जो बच्चा है वो हमारे बालकनी में गिर गया था, बच्चा, क्योंकि अंडा नहीं। तो मेरे पास शायद कुछ फ़ोटो होंगे उसके, मैं दिखाता हूँ आपको। उस बच्चे को ना मैंने हॉर्लिक्स पिला के बड़ा किया। Thank you.
शाम के टाइम पे हम वॉक करने आए हैं और पूरा अंधेरा हो गया, तो अभी हम घर चले, बहुत एक्सरसाइज कर लिया हमने। चले घर। चलो अभी तो हम शाम को ऑफिस के बाद आके थोड़ा सा, वाह यहाँ पे लाइट आ गया, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे और वॉकिंग कर रहे थे, तो अभी पार्क से निकल के हम घर जावत है, घर, क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी है, ऑफिस भी जाना है। ओके सी यू अगेन। अभी थोड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे लाइट आता है तभी दिखता है, डार्क हो गया ना, सब चले गए। तो अभी मैं खा रहा हूँ करेला और रोटी, करेला का फ्राई और रोटी। ये करेला मेरी मम्मी ने बनाया, देखो ये करेला का फ्राई है, तो अच्छे से फ्राई हो गया करेला। ये रोटी के साथ बहुत अच्छा रहता है। अभी रात हो गया ना, चावल नहीं खाएंगे, ऑलरेडी थोड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि पतला होना है, क्योंकि बहुत मोटा हो गया हूँ, तो इसीलिए अभी रात को रोटी के साथ करेला एकदम मस्त, थोड़ा सा ताकत भी देगा रोटी और डिटॉक्स भी कर देगा करेला। तो बीइंग हेल्दी, इसके बाद इमीडिएट नहीं सोएंगे, थोड़ा छोटा मोटा वॉक वॉक जैसे करेंगे फिर सो जाएंगे। और वैसे भी अभी बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं, वही बिग बॉस, वो भी देखना है, मतलब ऐसी कल फिर ऑफिस जाना है सुबह उठ के, तो शायद मैं थोड़ा ऑफिस जल्दी जाने का आदत हो गया है, तो शायद एक्सरसाइज कर पाएंगे। गुड नाइट। तो आपने देखा कल रात को खाना खा के सो गया, उसके बाद से कोई व्लॉग ही नहीं कर पाया मैं। एक्चुअली आज ऑफिस था, तो ऑफिस में एक्चुअली आज डांडिया था, मतलब कल्चरल इवेंट्स था, कार्निवल। ओके सब अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं ना, वो सब कुछ था। तो ऑफिस में जल्दी गए और आए भी देर से, क्योंकि एक तो काम आधा दिन और आधा दिन यही सब चल रहा था, डांडिया वगैरह खेलना सब कुछ। तो आज आई थिंक बहुत महीने या साल हो गए थे कि इतना हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, बस थोड़ा सा, इतना नाचे कि पूरा पसीना, भाई साहब अंदर का बनियान पसीना, शर्ट पसीना सब भीग गया था। तो अभी और जब वापस आ रहा हूँ बैंगलोर में, आपको तो पता है सुबह मौसम ऐसा लगा ही नहीं कि बारिश आएगा, शाम को देखे तो बारिश आ गया है, बहुत जगह पे वाटर लॉगिंग, जब आ रहा था अंडर पासिस में वगैरह वाटर लॉगिंग था, तो वहाँ पे भी बहुत गंदे हो गए क्योंकि बाइक से आए एकदम। तो अभी आते ही फिर से थोड़ा नहा धो के फ्रेशअप हो गए, वरना पूरा ही चिपचिपा हो जाते। तो अभी थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए जी क्लिप जो हमने ऑफिस में डांस किया, वैसे पूरा दिखा नहीं सकते, बस छोटा सा, वरना ये सब इतना एंजॉयमेंट हो रहा था वहाँ पे, मैं तो पूरा व्लॉग ही बना लेता ऑफिस में डांडिया वाला। अब क्या है, पूरा थके इतना एक्सरसाइज कर लिए हम, तो खाना और सोचा अभी जब मम्मी मंदिर गई है तो मम्मी को जाके लेके आना है, उसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर कल सैटरडे है, परसों संडे है, और कुछ प्लान तो चल रहा है कहीं दूर जाने का, मंदिर, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है ऑफिस का, क्योंकि बहुत दूर चले जाएंगे तो सैटरडे संडे में ख़त्म करके नहीं आ पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है और व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे कल कब क्या करेंगे। देखो अभी सुबह से ऑफिस में था तो कुछ क्या ही दिखाऊं, ऑफिस में हूँ, ऑफिस का आप ऑफिस में अगर कुछ सेलिब्रेशन भी चलता है तो पता है ना, वो मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं डाल सकते हैं कोई। ओके
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, यो यादें किसी दिल जन्म के चर जाने के बाद आती हैं, जीवन दिल जाने दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए, यादें।